नमस्कार दोस्तों, मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड। आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक यूनिक टॉपिक लेकर। यूनिक टॉपिक इसलिए क्योंकि ये टॉपिक है इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ, ये टॉपिक है इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग विथ अ फोकस ऑन देम विथ न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सो दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को और इस चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट कीजिए, ताकि न्यूमरोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वास्तु रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम जितना ज़्यादा शेयर कर पाए उतना अच्छा है। सो दोस्तों, आइए मुद्दे पर आते हैं। इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग, आप कौन सा भी मीडिया उठा लीजिए, आप न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए, ये दोनों में जो फाइट चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अब ये फाइट क्यों है तो वो हम समझते हैं कि इलॉन मस्क जो है इज द ओनर ऑफ ट्विटर, राइट। ट्विटर के कंपटीशन में मार्क जुकरबर्ग, हु इज द ओनर ऑफ मीटा, दैट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है विच इज कॉल्ड एज थ्रेड्स, राइट। तो थ्रेड्स जो है वो कंपटीशन है अभी ट्विटर का। इस कंपटीशन की वजह से इलॉन मस्क का जो नेचर है, राइट, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, ही इज़ वेरी एक्साइटिंग पर्सन, सो उन्होंने सोशल मीडिया पे वॉर स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट मार्क जुकरबर्ग। एंड अगेन, एक साइड से आएगा तो दूसरे साइड से भी आएगा और ये वॉर फिलहाल चालू है। इलॉन मस्क ने जून महीने में मार्क जुकरबर्ग को चैलेंज किया कि लेट्स हैव अ केज फाइट। तो दोस्तों, केज फाइट जो होने जा रही है या शायद होगी बिटवीन इलॉन मस्क एंड मार्क जुकरबर्ग, देखते हैं ये दोनों में से कौन जीत पाएगा, ये हम एनालिसिस करेंगे न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इलॉन मस्क की तरफ। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, इलॉन मस्क का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 जून 1971। आई रिपीट, 28 जून 1971। सो 28 जून 1971, यदि हम इनका ड्राइवर कंडक्टर भी निकाले तो ड्राइवर होगा 2+8 1, और पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल कंडक्टर यानी कि भाग्यांक होगा 7। सो इनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है वो है 1-7, ठीक है। अभी हम इनका डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करते हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ में एक तो ड्राइवर आ गया नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 मौजूद है, नंबर 7 दो बार मौजूद है। तो आप गूगल करके देख लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, 77 मतलब धोखा, 77 मतलब ब्रेक इन रिलेशनशिप, ठीक है, ब्रेक इन रिलेशनशिप। तो आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए या गूगल कर लीजिए, इलॉन मस्क की 3 शादी हुई है, ठीक है, कितने रिलेशनशिप हुए वो भी आप गूगल पे जा सकते हो, कितने ब्रोकन रिलेशनशिप हुए उस डिटेल्स में हम नहीं जाते। 3 शादी हुई है और तीनों बार उनका डिवोर्स हुआ है। आज की तारीख में भी इलॉन मस्क का डिवोर्स हो रखा है, उनका शादी सक्सेसफुल नहीं है। तो यदि आप सोच रहे हो कि न्यूमरोलॉजी वर्क करता है, इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी न्यूमरोलॉजी वर्क करता है, आप देखिए 77 मैरिज फेलियर्स, राइट। इनका ड्राइवर है वेरी स्ट्रांग ड्राइवर नंबर 1, राइट, ड्राइवर इज वेरी स्ट्रांग नंबर 1, एंड कंडक्टर इज ऑल्सो ओके 7 है, विजडम है, बॉडी है सर नहीं है बट विजडम तो है। देयरफॉर इफ यू सी नंबर 1, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट मीडिया, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट मेनी पीपल। आप उठा के देख लीजिए अगेन न्यूज़पेपर या कोई भी मीडिया स्टेटमेंट, हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद इनका कुछ ना कुछ इश्यूज या कुछ ना कुछ लिटिगेशन या कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स चलते रहता है, राइट। सो ये इंसान किसी के सामने झुकेगा नहीं, ठीक है। अगर आप इनका ओवरऑल बर्थ चार्ट देखेंगे तो उनका एक्शन प्लेन भी कंप्लीट है, प्रैक्टिकल प्लेन भी कंप्लीट है, सो देयरफॉर ही इज एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, और इसीलिए वो आज इतने सक्सेसफुल है। बिजनेस में या प्रोफेशन में बंदा सक्सेसफुल है पर रिलेशनशिप में नहीं है, दैट इज द रीजन व्हाई इज नॉट सक्सेसफुल, 77 मल्टीपल 7, हमने पहले भी बताया हुआ है, राइट। सो ये एनालिसिस था इलॉन मस्क का। यदि आप उनका नेटवर्थ भी देख लें तो कुछ 22,000 प्लस करोड़ USD का उनका नेटवर्थ है, 22,700 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट ये उनका आज का नेटवर्थ है। यदि हम उनका पर्सनल ईयर भी देखें तो ये उनका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर अ ड्राइवर नंबर 1। सो दिस कैन बी हिज वेरी गुड ईयर, 2023 एज वेल एज 2024 कैन बी हिज वेरी गुड ईयर। तो ये दोस्तों एनालिसिस था
इलॉन मस्क का। अब आते हैं दूसरी तरफ, मार्क जुकरबर्ग। अब आते हैं दूसरे डेट ऑफ बर्थ की तरफ या दूसरे पर्सन की तरफ, उनका भी डेट ऑफ बर्थ हम एनालिसिस करते हैं कि उनके डेट ऑफ बर्थ में क्या राशि पे है। सो मार्क जुकरबर्ग का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 मई 1984। सो इनका अगर हम ड्राइवर कंडक्टर देखें तो ड्राइवर कम्स टू 1+4 दैट इज 5। हालांकि 14 कार्मिक नंबर है बट द ड्राइवर इज कमिंग टू 5। अगर आप पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी लेंगे तो वो भी 5 आएगा। सो यू आर गेटिंग डबल 5 राइट इन द एंटायर डेट ऑफ बर्थ। और एक 5 ऑलरेडी है जो कि है मे का। सो 14 मई 1984 के हिसाब से इनका ड्राइवर कंडक्टर या मूलांक भाग्यांक का जो रिलेशनशिप आएगा वो है 5-5 विच इज़ अ वेरी स्ट्रांग कॉम्बिनेशन। तो डबल इंजन की सरकार जिसको मैं कहता हूँ कि आगे भी 5 पीछे भी 5 ड्राइवर भी 5 कंडक्टर भी 5 और एक 5 ऑलरेडी मौजूद है। ये इंसान जो है इनके डेट ऑफ बर्थ में या इनके बर्थ चार्ट में आप देखोगे तो उनका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है 951। एट अ वेरी यंग एज ही हैज़ बिकम वेरी सक्सेसफुल राइट। तो उनका विल पावर स्ट्रांग है, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, प्लस डबल इंजन 55 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। एक और बात, इनका नेम स्पेलिंग भी अगर आप करेंगे, मार्क जुकरबर्ग कम्स टू 1। सो अगेन अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। जबकि आप इलॉन मस्क का नेम स्पेलिंग करेंगे तो इट कम्स टू 8 राइट, विच इज़ नॉट अ फेवरेबल आई वुड से नेम स्पेलिंग कॉम्बिनेशन। बट इलॉन मस्क का जो नेम स्पेलिंग है वो आ रहा है 8 पे, विच इज़ नॉट गुड। बट मार्क जुकरबर्ग का जो नेम स्पेलिंग है दैट कम्स टू 1 विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव एज कम्पेयर टू हिज ड्राइवर कंडक्टर रिलेशनशिप। सो इसके लिए ये उनकी सक्सेस का राज है, डबल इंजन 55, स्ट्रांग विल पावर 951 राइट, एंड हिज नेम स्पेलिंग इज कमिंग टू 1। सो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि नेम स्पेलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अभी हम आते हैं इनके नेटवर्थ, इनका कुछ नेटवर्थ है 10,000 crores अप्रॉक्सीमेटली USD। हालांकि इलॉन मस्क से कम है बट उनका एज भी काफ़ी कम है, इलॉन मस्क इज मच एल्डर देन मार्क जुकरबर्ग। इनका पर्सनल ईयर यदि हम देखें तो वो आता है नंबर 8 पे राइट। नाउ नंबर 8 कैन गिव यू स्ट्रगल, नंबर 8 कैन गिव यू प्रॉब्लम्स, नंबर 8 कैन गिव यू कोर्ट केसेस ऑल्सो। बट इफ यू आर राइट, इफ़ योर कर्माज आर राइट, यू कैन गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑल्सो इन द पर्सनल ईयर 8। सो दोस्तों, अगर हम देखें कि सच में अगर दोनों का केज फाइट होता है तो कौन जीतेगा, अगर हम न्यूमरोलॉजी के एनालिसिस के थ्रू देखें कि कौन जीत सकता है, अगेन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, केज फाइट होगा या नहीं पता, बट इट इज़ जस्ट एन हाइपोथेटिकल थिंग कि न्यूमरोलॉजी की बेसिस पे अगर हम एनालिसिस करें, इलॉन मस्क का पर्सनल ईयर पॉजिटिव है, नंबर 5 पे आ रहा है, हालांकि मार्क जुकरबर्ग का पर्सनल ईयर आ रहा है 8। सो इन दिस आई वुड से Elon Musk is better in terms of the probabilities of winning. But अगर हम देखें name spelling और driver conductor का combination, उसमें Mark Zuckerberg is much stronger as compared to Elon Musk, right? And Elon Musk also has multiple 7, जबकि Mark Zuckerberg के पास double 7 नहीं है। Mark Zuckerberg का will power भी strong है। So ये perspective से यदि हम देखें, strong driver conductor relationship, will power, name spelling, ये तीन एस्पेक्ट में मार्क जुकरबर्ग हैज़ बेटर चांसेस ऑफ विनिंग एज अगेंस्ट इलॉन मस्क। सो इफ एट ऑल द फाइट हैपन्स, द फाइट विल बी वेरी वेरी आई वुड से कॉम्पिटिटिव, एनीबडी कैन विन। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस इफ यू सी इलॉन मस्क के कंपैरिजन में मार्क जुकरबर्ग का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस वेरियस रीजन्स, वेरियस फैक्टर्स विच आई जस्ट डिस्कस्ड। एक ही चीज़ है इलॉन मस्क के फेवर में, वो है उनका पर्सनल ईयर। उनका पर्सनल ईयर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल आ रहा है उनके लिए, तो ये एक फैक्टर है जो इलॉन मस्क के फेवर में जाता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ इन फेवर ऑफ मार्क जुकरबर्ग। सो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये ऑफबीट वीडियो कैसा लगा, ये करंट अफेयर के बेसिस पे वीडियो कैसा लगा, और आई थॉट कि ये दो सेलिब्रिटीज़ का डेट ऑफ बर्थ अगर हम एनालिसिस करें कि ये दोनों इतने सक्सेसफुल क्यों है या ये दोनों का लाइफ ऐसा क्यों है, ये हमने न्यूमरोलॉजी की मदद से समझने का कोशिश किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों में, ताकि आप भी खुद एनालिसिस कर पाए लोगों के डेट ऑफ बर्थ का। यही हमारा पर्पस है कि हम न्यूमरोलॉजी को घर घर पहुँचाएँ, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स का या आप सेलिब्रिटीज़ का न्यूमरोलॉजी करके आप समझ पाए कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम कर सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो।